दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ, कि एमएस वर्ड में बहुत सारे कौन कौन से काम होते हैं, फैसिलिटीज इनकी, क्या आप मिरर बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज मैंने बताए हैं, आप पिछले वीडियोज को देख सकते हैं। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इसमें से कैसे, अगर आप कोई लाइन खींचना चाहते हैं कुछ लिखने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और फिर इसको हमने सेलेक्ट करके सेंटर पे कर दिया। ठीक, अब हम इसके बाद चाहते हैं कि लाइन कोई आ जाए, लेकिन मुझे पूरी लाइन खींचने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। जैसे मैंने ये दो तो चार बार करी, और इसको पूरा वहाँ तक करना बहुत बोरियत लगता है, तो मैंने इसको आपको बता देना है कि जैसे ये हमने तीन चार बार क्लिक किया फिर इंटर किया तो पूरी लाइन बन जाती है। ठीक, इसके बाद इससे थोड़ी मोटी चाहते हैं, तो इसके लिए हम ये इक्वल बराबर वाले से तो डबल लाइन आ गई, ठीक है ना। और थोड़ी और मोटी चाहते हैं तो हम ये जो स्टार जैसे होता है, स्टार वाले को चार बार क्लिक करके ये कर दिए, इंटर इंटर बटन से आप तीन चार बार ये कर दीजिए। आप चाहते होंगे और मोटी थोड़ी लाइन, तो इसके लिए आपको हैच चार बार क्लिक करिए और इंटर कर दीजिए, ये चार बहुत मोटी लाइन हो गई, थोड़ी तिरछी लाइन की मान लीजिए आपको आवश्यकता है, ठीक है ना। ये और इसके बाद आप इंटर कर दीजिए तो तिरछी लाइन आ गई। तो ये हमने आपको आज पांच तरह की लाइनें बनाना सिखा दिया, कि आप ये कैसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आपका टाइम भी बचेगा, जानते हैं कि कोई भी काम कर रहे हो तो इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद होता है, और इसमें बहुत सारे काम है दोस्तों। आप इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ आज नई जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, थैंक यू।